नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टैग मोबाइल रिपेयर चैनल को, साथ ही दबाई बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह खोए हुए पैन कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और दोबारा मंगवा सकते हो। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद हमें सर्च करना है रिप्रिंट पैन कार्ड। हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी, सर्च करने के बाद रिप्रिंट पैन कार्ड NSDL न्यू विंडो खुल जाएगी। यहाँ हमें पैन नंबर डालना है और उसके नीचे डालना है आधार नंबर। यहाँ हम आधार नंबर डाल लेते हैं, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी जो भी पैन कार्ड में थी आपकी। यहाँ हमें कैप्चा कोड डालने, उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास न्यू पेज खुल जाएगा। हमारे पास अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर को ओके कर दिए, सेंड OTP करने, उसके बाद फ़ोन नंबर पे ओके करने के बाद एक नया पेज खुल गया। यहाँ हमारे पास जो OTP आएंगी फ़ोन पे, जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उसमें OTP आएगी, वो हमें डालना है। उसके बाद हमें डाल करना है वैलिडेट पे ओके। ओके करने के बाद हमारे पास पेमेंट के लिए बोला जाएगा, इसके लिए 50 रुपये फीस देनी पड़ेगी। पे कन्फर्म पर ओके करना है, क्या आपको रिप्रिंट अगर करवाते हैं दोबारा पैन कार्ड को। यहाँ हमारे पास पे करने के लिए काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI QR कोड भी। तो हमें यहाँ पे UPI से करना है। हमारे फ़ोन में भीम UPI के नाम से एक ऐप डाउनलोड करके जिससे हम पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट पर ओके करने के बाद एक यहाँ पे साइड में QR कोड आ जाएगा, यह UPI भी डाल सकते हो। तो हम QR कोड से पेमेंट करेंगे, स्कैन कर लेते हैं हम तब तक। हमारे फोन स्कैन हो गया, बस ओके करते ही पेमेंट कट जाएगी। रिस्पॉन्स यहाँ आपको कुछ भी फ्री पैसे या बैग वगैरह कुछ नहीं करना है, जैसे ही पेमेंट करेगी तो पेज नया पेज खुल जाएगा। तो यहाँ 1-2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, प्रोसेस चल रहा है पेमेंट कटने के लिए। हमारी पेमेंट कट चुकी है, यहाँ आपको नीचे करना कन्फर्म पर ओके करना, 50 रुपये हमारे कट चुके हैं। ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखा दिया, यहाँ पे डेट भी दिखा दी हमारे, तो हमें यहाँ पे कंफर्म करना है और यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद कंप्यूटर पेमेंट दिखा दिया है, पेमेंट हो चुकी है हमारी। यहाँ कुछ टाइम लगेगा, दो चार मिनट का लगता है, हम वीडियो को पुश कर देते हैं। PDF फाइल डाउनलोड करनी है हमें, जो भी पैन कार्ड लिए। तो हम PDF फाइल को ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ हमें टोटल डिटेल्स मिलेगी, पैन कार्ड नंबर, जो पेमेंट कटी उसके बारे में दिखाया जाएगा। तो हमें यहाँ ये पैन कार्ड 4 या 5 दिन में या लास्ट 10 दिन में हमारे पास जो भी पैन कार्ड में एड्रेस या आधार कार्ड में एड्रेस होगा उस पते पर भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जैसे आगे हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।